हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आशु टॉक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसेंचर के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। तो गाइस, एक कैंडिडेट थे जो कि नॉन आईटी ब्रांच से बिलोंग करते थे, उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस हम आज की इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। एंड ये लेटेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस होने वाला है आप सभी के लिए, जो कि 2023 में ही कंडक्ट किया गया है। तो वीडियो को एंड तक के जरूर देखना, काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है जहां से आप इजिली इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरव्यू प्रिपरेशन की एक प्लेलिस्ट क्रिएट की हमने, तो ये प्लेलिस्ट आप जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर मैं आपको सभी अपॉर्चुनिटीज का रेगुलरली अपडेट्स देता रहता हूँ। ओके, तो ये भी आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आप यहाँ देख सकते हो एसेंचर इंटरव्यू एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 20 मिनट्स का ड्यूरेशन होने वाला है एंड नॉन आईटी ब्रांच का ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस होने वाला है। तो यहाँ पर भी आपको सेम क्वेश्चन देखने मिल जाता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए, जो इंट्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए एंड इम्पॉर्टेंट चीजें ही आपको अपने इंट्रोडक्शन में बताना है। जैसे कि आपका एजुकेशनल रिलेटेड आप बता सकते हो, आपका एक्सपीरियंस रिलेटेड बता सकते हो, इंटर्नशिप रिलेटेड, प्रोजेक्ट रिलेटेड एंड अगर आपने कोई स्किल्स गेन की है, सर्टिफिकेशंस किया है, वो सभी चीजें आप इंट्रोडक्शन में बता सकते हो। ओके, ये चीज हो गई। यहाँ पे आपको फैमिली रिलेटेड या एक्स्ट्रा जो नॉलेज है वो इंट्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, मोस्टली 1.5 मिनट तक ही आपका इंट्रोडक्शन जो है कम्प्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको क्वेश्चन देखने मिल जाता है, टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस तो आपको हर इंटरव्यू में देखने ही मिलते हैं। ओके, तो प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। उसके बाद डिड यू फेस एनी डिफिकल्टीज इन योर प्रोजेक्ट, तो क्या आपको कोई अपने प्रोजेक्ट में डिफिकल्टीज फेस हुई, इसके बारे में आपको बता देना है। ओके, कौन सी डिफिकल्टीज फेस हुई, उन्हें आपने सॉल्व कैसे की, तो आप इसके बारे में बता सकते हो, आपने यूट्यूब से सर्च किया ये बता सकते हो, या तो आपने किसी की हेल्प ली, सीनियर की हेल्प ली या तो प्रोफेसर की हेल्प ली, ये बता सकते हो। ओके, तो ये सभी चीजें आप बता सकते हो कि आपने कौन सी डिफिकल्टी फेस की एंड किस तरह से उसे क्लियर किया, टैकल किया। उसके बाद वाई शुड वी हायर यू, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे आपको एचआर क्वेश्चन देखने मिल जाते हैं। यहाँ से आपके एचआर क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं कि वाई शुड वी हायर यू, कि आपको हायर क्यों करना चाहिए। ओके, तो इसका भी आप आंसर कर सकते हो। ओके, आपकी जो क्वालिटीज है, लीडरशिप क्वालिटीज है, टीम वर्किंग क्वालिटीज है, ओके, ये सभी चीजें आप बता सकते हो। आप कैसे डिफिकल्ट वर्क एनवायरमेंट में भी वर्क कर सकते हो, अंडर प्रेशर वर्क कर सकते हो, ये सभी चीजें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद You are from non-IT, why do you want to join IT company? तो ये एक बहुत ही important question है। अगर आप non-IT branch से belong करते हो तो definitely ये question आपको पूछा ही जाएगा। पूछा जाएगा कि अगर आप mechanical से belong करते हो, civil से belong करते हो या कोई भी different non-IT branch से belong करते हो, तो आपको IT company join क्यों करनी है? तो इसका clear एक answer आपको देखने मिल जाता है कि guys, आपको ये चीजें बता देनी है। आपको ऐसे सिली आंसर्स नहीं देना है, बिकॉज ऑफ स्कोप, बिकॉज ऑफ गुड सैलरी, ओके, ये सभी चीजें आपको आंसर नहीं करनी है। आपको ये बताना है, ओके, व्हाइल वर्किंग, व्हाइल आई वाज इन इंजीनियरिंग, माय फ्रेंड वाज अ कोडर, सो आई गॉट इंटरेस्टेड इन कोडिंग, दैट्स व्हाई आई मूव टुवर्ड आईटी इंडस्ट्री, माय इंटरेस्ट इन आईटी इंडस्ट्री बिगेन, ओके, स्टार्ट, ओके। तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हो कि आपका धीरे धीरे जो है आईटी इंडस्ट्री में जो है इंटरेस्ट आने लगा। साथ साथ यहाँ पे फिर देर इज नो डिफरेंस बिटवीन लाइक कोर इंडस्ट्रीज एंड आईटी इंडस्ट्री, नाउअडेज बोथ द इंडस्ट्रीज आर इंटरलिंकिंग। ओके, सो इसके बारे में बता सकते हो कि कैसे मैकेनिकल इंडस्ट्री में भी आईटी का एक मेजर रोल है, कैसे ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग जो है वो टेक ओवर कर रहा है। ओके, तो इस ये सभी चीजें आप टेक्नोलॉजी रिलेटेड आप आंसर कर सकते हो, तो ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा इंटरव्यूअर को। ओके, तो इसका आंसर आपको बहुत ज्यादा केयरफुली करना होगा। उसके बाद आता है व्हाट आर योर हॉबीज, तो व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, इसके बारे में बता सकते हो कि आप बुक रीड करते हो, ओके, आप चेस खेलते हो, ओके, तो इसके रिगार्डिंग भी आपको इंटरव्यूअर बैक क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप कौन सी बुक्स पढ़ते हो। फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो कि मैं सेल्फ हेल्प बुक पढ़ता हूँ, तो उसमें से आप बता सकते हो रिच डैड पुअर डैड, 5 AM क्लब, ओके, या तो द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एफ, इस तरह से आप जो भी बुक्स आपने पढ़ी है वो बता सकते हो। उसके बाद आपको एक और बैक क्वेश्चन आ सकता है कि उसके ऑथर कौन थे, उसकी समरी क्या है, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर करते वक्त काफी ज्यादा केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद टेल मी योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो आपको ये भी बता देना है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था एंड वो क्यों था। ओके, कौन से आपको, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप फेवरेट सब्जेक्ट बताते हो तो उसमें से कोई भी एक टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, तो ये भी आप ध्यान देना। ओके, उसके बाद आ जाता है व्हाट डू यू, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एसेंचर।
ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको एसेंचर क्यों ज्वाइन करना है, और भी बाकी सारी कंपनीज है, टीसीएस है, इंफोसिस है, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, आपको वो ज्वाइन क्यों नहीं करना है, आपको एसेंचर क्यों ज्वाइन करना है, तो इसका भी आप आंसर दे सकते हो। ओके, कि एसेंचर के बारे में बता सकते हो कि एसेंचर कैसे लीडिंग, वन ऑफ द लीडिंग इन मार्केट, ओके, आईटी में काफी ज्यादा लीड कर रहा है एसेंचर, एसेंचर का हाई सैलरी पैकेज है, ओके, एसेंचर में काफी अच्छी ग्रोथ मिलती है, एसेंचर में काफी सारी चीजें सीखने को मिलती है, वर्क रिलेटेड एनवायरमेंट बहुत अच्छा है एसेंचर में, इस तरह की चीजें आप बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 ईयर, तो ये भी आपको बता देना है कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या होने वाला है, एंड 5 ईयर्स में आप खुद को कहाँ देखते हो। ओके, तो ये चीज पूछी जा सकती है, तो आप इसका आंसर कर देना। उसके बाद डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तो अगर आपको इंटरव्यूअर से कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो, जहाँ पर आपको बोला जाएगा कि आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी इंटरव्यूअर से क्वेश्चन पूछने की, तो यहाँ पे आपको कोई भी एक सिली सा क्वेश्चन नहीं पूछना है, आपको अपने फील्ड से रिलेटेड पूछना है कि एसेंचर में ऑन व्हाट टेक्नोलॉजी एसेंचर इज करंटली वर्किंग, ओके, या तो ये एसेंचर में कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा रहा है, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ओके, या तो ऑन व्हाट डोमेन आई शुड वर्क ऑन, ओके, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। लेजी क्वेश्चन, सिली क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं पूछना है कि व्हेन आई विल गेट इंटरव्यू रिजल्ट, ओके, लाइक दिस, ओके, तो आपको काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछने, तो इससे काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है इंटरव्यूअर पे। तो ये थे क्वेश्चंस नॉन आईटी ब्रांच के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरव्यू प्रिपरेशन प्लेलिस्ट है आप सभी के लिए, ये भी आप डेफिनेटली चेकआउट करना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।